हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 2021। इसमें आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट की पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है। इसमें SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 46 वैकेंसी है, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 22 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 81 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 30 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 121 वैकेंसी है। इसमें PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसीज है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इसमें स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 सितंबर 2021। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपकी सैलरी होगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें आपकी। इसमें आपकी इनिशियल बेसिक पे होगी 32,795 रुपीज़। इसमें आपकी अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी बनेगी 60,000 रुपीज़ पर मंथ की। इसके बाद बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। इसमें मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। बाकी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं पेज नंबर 4 में। इसमें आपका 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। इसमें फेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल ड्यूरेशन होगा आपके एग्ज़ाम का 1 आवर का और इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड। इसमें 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकेंड होगा रीजनिंग एबिलिटी का और थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें आपका सेक्शन वाइज टाइमिंग भी होगी, आप यहाँ देख सकते हैं 20 मिनट्स की आपकी टाइमिंग होगी। इसमें आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद आपका फेज 2 एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा ये आपका। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों होगा। मेन एग्ज़ाम आपका होगा टोटल 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका 30 मार्क्स का। आप यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। इसमें टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का। इसमें 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा रीजनिंग, सेकेंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड होगा जनरल अवेयरनेस और फोर्थ होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी होगी। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट होगी। इसके बाद फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन में के लिए जो मेरिट बनेगी वो आपका मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे ही बनेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप यहाँ एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं पेज नंबर 7 में। इसमें SC, ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ और बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपीज़। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर यहाँ देख सकते हैं, फेज 1 और फेज 2 के लिए भी एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन ही पे करनी है। आपको सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है अपने नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ। उसके बाद आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप उससे लॉगिन करके आप बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ये नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।